गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा, ऐसी मेरी गारंटी है। और एक बहुत ही शानदार जगह पे मैं आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस ब्लॉग में बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर मैं आया हूँ जहाँ पर कभी महाराजा रहते थे, महाराजा का प्लेस था। तो आइए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ कभी महाराजा रहते थे, ये महाराजा का पैलेस है। अभी ये एक होटल है और इसमें आप रुक सकते हैं। यहाँ पर 4000 से कमरा शुरू होता है और 30-40 हज़ार तक का कमरा आपको मिल सकता है। आपको याद होगा तो फिल्म 3 इडियट में इसको अरन छोड़दास झज्जर का घर दिखाया गया था। चोयल पैलेस होटल की सुंदरता, जहां सैलानी अपने कैमरों में कैद करते हैं, वहीं पे बॉलीवुड फिल्मों में भी इसको देखा जा सकता है। फिल्म 3 इडियट, आओ प्यार करें, लूट मार, रूही, आकाश, दाग, करमवीर, प्यार झुकता नहीं, ये दिल लगी, जलते बदन, श्याम घनश्याम, मेरे हमदम मेरे दोस्त, जुनूनियत, इन फिल्मों में आपने इस हवेली को, इस महल को, इस धरोहर को आपने देखा है। राजा अगर किसी काम के लिए अड़ जाए तो वह करके ही दिखाता है, क्योंकि महाराजा अंग्रेज़ों के साथ में भिड़ गए थे और उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह जी गर्मियों के दिनों में अक्सर शिमला आया करते थे। अंग्रेज़ों द्वारा महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह जी के शिमला में प्रवेश को प्रतिबंध कर देने पर महाराजे ने अपनी शान के लिए शिमला से भी ऊंचा नगर बसाने की ठान ली और चायल पैलेस का निर्माण किया, जिसे हम अभी द पैलेस के नाम से जानते हैं। उन्होंने शिमला से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर और सोलन ज़िले में चायल गांव में ये साम्राज्य स्थापित किया, जहां से शिमला को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस पैलेस पर कला का अजब नमूना देखने को मिलता है। 100 साल से भी अधिक पुराना ये पैलेस देवदार के घने पेड़ों के बीच अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। रियासत काल में बेशक यहाँ सिर्फ राजाओं की महफिल जमा करती थी, लेकिन अब इसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है। चायल पैलेस जहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं बॉलीवुड को भी अपनी ओर खींचता है। चायल पैलेस में अभी तक बॉलीवुड स्टार बहुत सारे रुक चुके हैं, जैसे सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, टिंकू, शर्मिला टैगोर, राखी, धर्मेंद्र, आयुष्मान खुराना, यामी गौतम, पुलकित सम्राट, शर्मन जोशी, आर माधवन, जावेद जाफरी, प्रेम चोपड़ा, स्वामी अली, राजेश पुरी, गुलशन ग्रोवर, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी, अक्षय कुमार, राजेश खन्ना, काजोल, बहुत सारे स्टार और फिल्म स्टार और क्रिकेटर यहां पर रुक चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।